मुबारक आपको आलम पनाह साल गिरा अदू को कर दे हसद से तबाह साल गिरा वजीर आजम शुक्रिया हर एक को आज खुशी है खुशी के आने की फरिश्ते भी यही कहते हैं वाह साल गिरा शहंशाह जमा का वक्त बेदार उम्र दराज रहे ये गरीब बेकत एक फरियाद लाया है ऐसे खुशी के मौके पर फरियाद हुजूर मैं इंसाफ चाहता हूँ हाँ शौक से हो ये तुम्हारा शाह इंसाफ देने के लिए हर वक्त तैयार है हुजूर शहजादे परवीन ने मेरी गरीब लड़की की असमत लूटी जरा फरीश तुझे इसका सबूत पेश करना होगा हुजूर ये लड़की खुद हाजिर है कह नहीं सकती अपने मुंह से जो फरियाद है खानदान शाही से इस पर हुई बेदार है मगर हुजूर मैं इसको पहचानता भी नहीं आए सरापा तस्वीर गम क्या ये बात सही है झूठ गलत इल्जाम मुलायदा फरमाइए सरकार ये शहजादे परवीज का रुमाल जो वहां से फरार होते वक्त रह गया था उफ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ आदिल शाह का फर्जंद और बानी सितम अब्बा जान आप भाई जान पर क्यों खफा हो रहे हैं खामोश वजीर आजम शहजादे को फिलहाल जिंदा में रखा जाए अब्बा जान भाई जान को सजा ना देना बेटा नादिर इंसाफ के सामने औलाद कुछ नहीं ये साफ मलका की चालबाजी है और
ये तो अच्छा न हुआ। क्या कैद में भेज कर भी आपका दिल ठंडा ना हुआ? नहीं। वो कैद की सपनियां झेल कर खुद मर जाएगा। नहीं, जब तक मैं परवीज की लाश न देखूंगी मेरा दिल ठंडा न होगा। अच्छा, तो अब आगे थोड़ा सा काम तुम्हें करना होगा। देखो, आधी रात को क्या खून? नहीं, ये मुझसे न होगा। याद रखो, मैंने तुमको अपना राजदार बनाया है। मगर उसके जिस्म से बहता हुआ खून मैं न देख सकूंगा। तो जहर का प्याला। नोट फरमाइए। क्या कभी मैंने तेरी दिल शिकनी की? नहीं। तो फिर तूने क्यों मुझसे दुश्मनी की? शहजादे, पहले जाम को नोट फरमाइए। मुझ पर इल्जाम लगाते वक्त
तुझे अपनी मासूम लड़की का भी ख्याल नहीं आया? अफसोस, पाक अस्मत बेटी पर बदनुमा धब्बा लगाने वाले बाप शर्म। बस इस जान को खत्म कर। अच्छा तो तू भी इसमें शरीक हो जा। क्या मैं? क्यों नहीं? क्यों समझा? हाँ तू जिंदा रहे, मैं पीता हूँ। नहीं इसे ना पिए। क्यों नहीं? शाहजादे ये जहर था। नहीं नहीं ये अमृत था। वालिद का भेजा हुआ जहर भी आबे हयात है। नहीं ये जहर बादशाह सलामत ने नहीं भेजा। तो मलका साहेबा ने। और तू? मैं गोश्त के टुकड़े पर लुभाया हुआ कुत्ता हूँ। मैं नमक हराम ना बनूंगा। तो अंजाम भी देख ले। आ, आ, ओ खूबसूरत डायन मेरी शाबाजी का अच्छा सिला दिया। Thank you.
مجھے پرویز کے افعال پر سخت رنج ہو رہا ہے. مجھے بھی اسی کا خیال ہے, مگر کیا کیا جائے, گناہ بھی تو سنگین تھا. شہزادہ پرویز فرار ہو گیا. فرار ہو گیا کس طرح؟ چند سپاہیوں کی امداد سے پرویز کا خون کر کے. پرویز کا خون؟ یہ دوسرا گناہ. درگاہ, کیا بھائی جان رہا ہو گئے؟ نہیں, وہ فرار ہو گیا. کیا نالائق کی یہاں تک ہمت بڑھ گئی؟ کیوں پیاری, اب تو تسلی ہوئی؟ میرے سرتاج, اب نادر کو تخت سواری سب بناؤ گے. جب تک پرویز زندہ ہے میں ایسا کر نہیں سکتا. مغرب کی طرف سفر کرے گا تو تیری تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا. یہ خنجر اپنے پاس رکھ. اس میں یہ کرامت ہے کہ مصیبت کے وقت
جب تو خنجر کو میان سے جدا کرے گا اس وقت تو لوگوں کی نظروں سے روپوش رہے گا اور یہ خنجر اپنا کام کرے گا کرنا جب آئے دینا کرنا جب ठिकाना है।
कोई दम्मी यहाँ से जाना है। सौदा कर ले तूने टिका, कोई दम्मी यहाँ से जाना है। आफिल बंदे कुछ सोच जरा, दुनिया हर भर का ठिकाना है। आफिल बंदे कुछ सो, चल परवेश खुदा का नाम ले और गोता लगा। आमदीद दोजखी ब्रिज से के नजीर मेहमान खुद आमदीद। परवरदिगार ये कैसा इसरार? इन आंखों से दुनिया देखी, ये भी तमाशा अब तू देख। या खुदा ये तो जिंदा है, कितनी खूबसूरत है, मगर बेदार क्यों नहीं होती? ये लकड़ियां कहती आंखों से दुनिया देखी, ये भी तमाशा अब तो देख। शायद किसी में कुछ राज है।
किसकी है? ये जिन का मुकाम है। तो क्या अंदेशा है? अगर उसको खबर हो जाएगी तो मार चलेगा। खुदा के लिए इस रास्ते से आए वापस चले जाओ। नासिर तुम उसका खौफ न करो। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी जवानी पर तमाम आता है। अरे गुलिस्तान दौसा की बात, ये कैसे हो सकता है? ये बात सवाल और जवाब का नहीं, खुदा के लिए जाओ। हरगिज नहीं। तो क्या तुमको मौत का डर नहीं? मौत से बुजदिल डरते हैं, बहादुरों को उसका खौफ नहीं होता। मगर तुम हो कौन? मैं मुल्के यमन का शहजादा परवीज हूँ। मगर आए हुस्न की मलिका तुम कौन हो? मैं मिस्र की शहजादी परिजाद हूँ। परिजाद, कैसा प्यारा नाम है। टूटी हुई दमदम पे अच्छा रंग चढ़ा। यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे वतन से निकालने वाली मेरी सौतेली माँ है। और तुम? मेरी वालदा ने दूसरे जवान से शादी करके उसको बच्चा बनाया। वालिद के जुल्म से मैं खुदकुशी करना चाहती थी, इतने में ये जिन मुझे यहाँ उठा लाया। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। न घबरा, मैं तेरी हिफाजत करूँगा। ये तुम यक बयक घबराने क्यों लग गई? और ये तोता क्यों चीखे मार रहा है? परवीज, ये तोता जिनका पहरेदार है, हमेशा उसके आने के वक्त इसी तरह चिल्लाता है। प्यारे परवीज, तू जा। नहीं नहीं, मैं तुझे इस आफत में छोड़कर नहीं जा सकता। तो फिर कोई तरकीब करो। आज मुझे किसी आदम साहब की बू आ रही है। यहाँ तो मेरे सिवा कोई आदम साहब नहीं। नहीं, तेरे हदबंदी में जरूर किसी इंसान ने कदम रखा है। मैं उसको ढूंढ निकालूंगा और मार डालूंगा। तो मुझे को मार डालो। दीवानी, तुझे मारने से बेहतर है कि मैं खुद मर जाऊं। नहीं नहीं, तुम्हारे मरने से तो मैं बेसहारा हो जाऊंगी। न रो परिजात, मेरा मरना कोई मजाक नहीं। चल देख। देख, ये कुंडा दरख्त और इसमें लगा हुआ फूल, ये कुंडा मेरा तिलस्माती महल है। ये दरख्त मेरा जिस्म और फूल मेरी जान। इन पर जो कोई इंसान कब्जा करेगा वही मुझे मार सकेगा, मगर ऐसा होना नामुमकिन है।
प्यारी परिजात, आज मेरा दिल खुश करने के लिए अपना नाच बता। नहीं, आज मेरा जी नहीं चाहता। नहीं, मेरा दिल बहरा नहीं पड़ेगा। Thank you.
लगता है। इन आंखों से दुनिया देखी, ये भी तमाशा अब तुम देख। नहीं
अपना न कहो, मैं फकीर से भी बदतर हूँ। आयशा, मुझे सब मालूम है, तो फिर बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर दिखाने के लिए मैं तेरी आंखें खोलना चाहता हूँ। बेहतरी चाहो तो सब्र करो और खुदा पर भरोसा रखो। जो इशाद, अच्छा खुदा हाफी।
ये समझते हो कि सल्तनत हम तुम्हें सौंप देंगे? नहीं, हम सल्तनत को जलाकर खाक कर देंगे, वो खाक उसी के मुंह पर फेंकेंगे। देखिए देखिए, अम्मी जान किस तरह जिखेर मार रही है। अरे वो नहीं नहीं, बिचारी को अंधी ना करो। नहीं, जैसा किया वैसा करो। बेटा गया, बहू गई, अमृत गई, बेटी गई, अब बाकी क्या रहा? तब तो ताज। मैं इससे भी नफरत करता हूँ। आलमपना, ये आप क्या कर रहे हैं? खामोश, मैं जो कुछ कर रहा हूँ बजा कर रहा हूँ। ले अब ये तू संभाल। ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम जबा कोई न हो। बेदरो दीवार का ये घर बनाऊंगा, वहां कोई हमसाया न हो और पास बा कोई न हो। ये तो बिल्कुल जन्नत का नमूना है। प्यारे, तुमने कभी जन्नत देखी है? नहीं। मैंने देखी है। कहाँ? यही मेरी जन्नत है। परिदार, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं तुम्हारे इश्क में पागल हुई। मगर मेरी तो शादी हो चुकी है। नहीं, तुम मेरे हो, मेरे पास रहो।
तुम कहीं ना जाओ, मेरे पास रहो। का गाना है।
गरज रहा है उसके क्या माने? अप्पा जान, मुझे सर्दी लग रही है। खामोश, मैं नालिन से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं फैसूस, ये पानी दुनिया को बहा ले जाएगा? नहीं। शायद हमको बहा ले जाएगा? नहीं। यही वो मौसा है, किसी का नाम शमसा है। ऐसा ही सूप बच्चा ने मुझसे धना। क्यों शर्म से मुंह छुपा लिया? आ गया, हाथ जोड़। आलीजा, ये मलका नहीं, आपका लड़का नादिर है। क्या वो भाग गई? संतरत का ऐसा इंतजाम, जाओ करो। मुझे सर्दी लग रही है। चमकी, सितारा टूटा। हाँ ठीक है, सितम की बिजली चमकी, किस्मत का सितारा जरूर टूटा। अप्पा जान, चलो अपने महल में चलो, यहाँ तो सब अंधेरा है। अरे नादान, अंधेरा कैसा? देख काफी शुआएं निकल रही है, तुझे अंधेरा मालूम होता है? अरे फैलसूफ, ये पानी क्यों बरस रहा है? मैं समझा आसमान रो रहा है। रो रो मेरी हालत से, रो। औरत की बदौलत मैं फंसा हूँ, कैसी आफत में? मेरा खिदमतगार कहाँ है? मुझे नींद आ रही है। मासूम लड़की, तुझे क्या मालूम है कि तेरे वालिद कैसी वहशत में है? वहशत? परेशान हाल होकर मैं खिला करता हूँ बशत में। कहाँ बना, अपनी औलाद का भी तो ख्याल रखिए। औलाद का ख्याल किस लिए? तुम देखते नहीं मेरी औलाद भी तो गिरफ्तार बना हुई है। काफिर, काफिर।
यही है शहजादी, गिरफ्तार करो। नया बादशाह कौन? जहां पनाह सरगम। और बादशाह सलामत? शहजादे के गम में पागल बनकर नादिर के साथ चले गए। लेकिन मेरी बेटी को गिरफ्तार किस लिए करते हो? शाह सरगम के हुक्म से। नहीं नहीं,
प्यारे परवीन। परिजात परेशान क्यों हो? परिजात मैंने ख्वाब में वालिद को मुसीबत में देखा। ये कौन वतन की याद दिला रहा है? खबर आपके वालिद आपके गम में दीवानावार होकर कहीं निकल गए। तो फिर तख्त और ताज कौन संभाले हुए है? वजीर दरगाह। फरीदाज अब मुझे वतन जाने की इजाजत दे। तो क्या ये जमीन तुमको नहीं भाती? भाती है, लेकिन सौतेली माँ चाहे जितना प्यार करे फिर भी सौतेली है। खुदा के लिए मुझे तन्हा ना छोड़ जाओ। अगर तन्हा रहना नहीं चाहती हो तो मेरे साथ आओ। नहीं, तुम यही रहो। ये नामुमकिन है, मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा। नहीं, नहीं। Bye.
मैं क्या करूं?
घबरा शाहजादी सामने देख, उस प्यारे में खाप रखी है, उसको लेकर तालाब में डाल। प्यारे तोते, तुम मेरे साथ चलो, मतलब तालाब में सैकड़ों इंसान मछलियाँ बनकर पड़े हैं, उन सबको अपनी असलियत में लाकर अपने चाहने वाले की इमदाद कर। क्यों देखा, मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, अगर तू मेरी न होगी तो तेरा भी यही हश्र होगा। Thank you.
साधक, तू मेरे वसले से इनकार करके जारी नहीं पा सकती और मेरे पाक दामन तक तेरी गंदी हवा कभी नहीं आ सकती। मुंहजोर लड़की, इसका बुरा अंजाम होगा। तो मेरा भी नाम पाक पाक औरतों में होगा। राजी है तो मैं भी जिद से छोड़ूंगा। मैं तेरा जामे अजमत संगे जिद से अपने तोड़ूंगा। ये नामुमकिन है, मेरे हाथ से तेरी रिहाई हो। भरा है तुझ में जितना जहर, मैं उसको निचोड़ूंगा। जान भरने के लिए तैयार हो जा। यही वो दरख्त है जिसका रास्ता तय खाने को गया है। खबरदार, कौन शहजादा परवीज गिरफ्तार करो इसे। Yeah.
जन्नत के फरिश्ते रहम, क्या अब तक होश में नहीं आए? अरे कल रात को मैं कहां था और आज? अब्बा जान, क्या मेरी आंखें धोखा दे रही है? अब्बा जान, तुखो शायद तू परवीज है। हाँ अब्बा जान। बेटा मुझे माफ कर। अब्बा जान मुझे दुआ दीजिए। आए नेकी के फरिश्ते, आपकी इनायत का मैं क्या बदला दे सकता हूँ? बदला देने की कोई जरूरत नहीं। सच्चा मुसलमान नेकी किसी जाहो हशमत की गरज से नहीं करता। सच है, लेकिन मुझे आपको खुश करने की तमन्ना है। क्या मुझे सुनहरी जाल में फंसा कर आप खुश होना चाहते हैं? कैसा जाल? क्या आपको मालूम नहीं कि फाहिशा की शक्ल में दुनिया और दौलत उसी का बनाया हुआ जाल है, और उस दुनिया की खूबसूरती में फंस कर आपने अपने दरबार में एक फकीर को कोड़ों से पिटवाया था? यानी आपके अक्ते सानी की तकरीब का जलसा और उस फकीर की पेशीन गोई याद है जिसको आपके कोड़ों से पिटवाया था? वही मैं फकीर हूँ। या खुदा, क्या आप वो फकीर हो? अरे मेरे मोहसिन, मुझे माफ करो। माफी देने वाला वो गफूर रहीम। अब परवीज की ताज पोशी की रस्म भी अदा हो जा। ये कैसा राज
عربی ہلال سے یہ مطلب ہے کہ تاج بجائے پرویز کے نادر کو پہنایا جائے اور پرویز اور پریزاد کو مصر فتح کرنے کے لیے روانہ کیا جائے۔ جو बेटा परवीज मुकद्दस जनाब तुम फरीजाद के हमरा मिस्र को रवाना हो जाओ और वहाँ इस्लामी खिदमत बजा लाओ। बुजुर्गी जाके कायम कर दो तुम महराब और मिंबर की। पलट जाओ वहाँ इस्लाम से बुनियाद हर घर की। पूरे झंडे हिलाली आसमां तक धूम हो जाए। सदा आने लगे चारों तरफ अल्लाह अकबर की। Okay.